दोस्तों नमस्कार, द पब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पंकज चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमण के दौरान काल के गाल में समा चुका है और इस दुनिया में नहीं है। गोंडा जिले के गोंडा विधानसभा, जो सदर विधानसभा सीट है, वहाँ से 3 बार विधायक रहे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह, जो समाजवादी पार्टी की मंडल तथा आसपास के जिलों में जिनको रीढ़ कहा जाता था, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे कि जिले की और समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी क्षतिपूर्ति हुई है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी। पंडित का नाम सुनते ही जहन पे सिर्फ एक ही बात आता है कि पंडित यानी कोई प्रकांड विद्वान, लेकिन नहीं, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह थे, लेकिन वो किसी धर्म, जात या महाजब को लेकर के इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती थी। और यही कारण है कि मंडल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के नेता, बड़े बड़े जो नेता होते थे, उनमें पंडित सिंह का नाम शुमार था। पूरे प्रदेश से लोग पंडित सिंह से मिलने आते थे और अपने काम के लिए पैर भी करते थे। पंडित सिंह ने कभी किसी को मना नहीं किया और उनका काम करवाया। कई बार मैं भी मौके पर मौजूद रहता था जब अधिकारियों से बात होती थी, क्योंकि जनता नेता के पास सारे प्रकार के काम लेकर के आते, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो नेता को ये नहीं पता होता है कि ये काम गलत है। तो कई बार जब फ़ोन किया था, अधिकारियों ने बाकायदा नियम और कानून के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मेरे पास आए हैं, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, अगर सब कुछ सही होता तो वो मेरे पास क्यों आते, काम जितनी भी गुंजाइश है करके बताओ, ये मेरे बहुत करीबी हैं। दूसरे की जो पीड़ा थी वो अपने आप को उससे संबंध कर लेते थे और उस व्यक्ति का काम करवाते थे। तो यही कारण है कि जो गोंडा या प्रदेश की जो गरीब जनता थी वो भयमुक्त होकर के अपनी बात कहती थी, वही पंडित सिंह का लोकतंत्र है। 7 मई को कोरोना संक्रमित होने के कारण लखनऊ के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका उस दिन निधन हो गया था। हालांकि उससे पहले 2 बार संक्रमित हुए थे, लेकिन घर ही पे ठीक हो गए थे। बीच में चुनाव के कारण जब वो थोड़ा सही हुए तो जा करके चुनाव कराने लगे, जन और वहाँ के जो कार्यकर्ताओं की बात सुन करके वो सीधे गोंडा चले गए और उसके बाद उनकी हालात और बिगड़ती चली गई, फिर से दोबारा उनको भर्ती होना पड़ा। तो ये समाजवादी पार्टी की जिले में एक बड़ी क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। 90 के दशक जब समाजवादी पार्टी में जुड़े थे तो उस समय सामाजिक तथा कई सारे विषम परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, क्योंकि 90 के दशक जब मुलायम सिंह यादव और मंदिर और मस्जिद का जो विवाद था, उसके चलते समाज का एक बड़ा तबका जो समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए थे, उनको दूसरी निगाह से देखते थे। उस वक्त पंडित सिंह ने संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया और वही कारण है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो 2 बार उनको मंत्री बनाया गया, 2 सरकारों में 3 बार विधायक थे। यहाँ तक कि उन्होंने दल की निष्ठा ना छोड़ने के लिए जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक हुई थी और वो कैसरगंज से ही तैयारी कर रहे थे। कैसरगंज गोंडा की विधान लोकसभा सीट है, गोंडा में 2 लोकसभा सीटें हैं, गोंडा और कैसरगंज, लेकिन कैसरगंज बसपा के कोटे में चली गई। पार्टी के नेतृत्व ने पंडित सिंह को कहा कि आप बसपा में जा करके उसके सिंबल में चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की सिंबल की वजह से वो बसपा में नहीं गए, वो सीट बदल करके गोंडा से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए, जबकि कैसरगंज उनकी एक सुरक्षित सीट मानी जाती थी। तो ऐसे व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाज के लिए एक बड़ी क्षति हुई जिसकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। 7 जनवरी 1962 को गोंडा के तरबगंज विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र बल्लीपुर में जन्मे पंडित सिंह ने कभी नहीं सोचा था, या उस गांव के लोगों ने सोचा था कि इस कद और इस बड़े स्तर के नेता बन करके आएंगे। उनके बारे में हमेशा एक कहावत होती थी कि खाता न वही जो पंडित कहाँ वह सही। तो कोई भी पैरवी करते थे, लोगों की बात सुनवाते थे और उनका सबसे बड़ा खास जो उपलब्धि थी, उनकी मोबाइल कभी बंद नहीं होती थी, वो मोबाइल वही उठाते थे और कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता था सीधे वो फ़ोन करते थे, कहते थे पंडित सिंह बोलित है और ये इनकी समस्या है, इसको करके बताइए। तो उनकी जो एक ठेठ और गंवई भाषा थी वो अपने आप में
बड़ी लोकप्रिय थी। इसी के कारण उनकी जिले और प्रदेश में लोकप्रियता एक अलग था। हालांकि उनको माफिया का भी तंगवा मिला, लेकिन वो कभी माफिया के शब्द जब लोग प्रयोग करते थे तो उसको लेकर के उन्होंने उसका ना तो कभी विरोध किया, वो अपने आप में खुश होते थे, कहते थे जनता के लिए अगर मुझे माफिया बनना पड़ेगा तो बनूंगा और जनता के लिए पूरा जीवन मेरा समर्पित है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा होती है। पूरी सरकार देखा जाए तो अफसर चलाते हैं, लेकिन ऐसा पहला मंत्री या नेता था जो अपने कार्यकाल में अफसर उस मंत्री को यानी पंडित सिंह को कभी घुमा नहीं सके, जनता के इशारे पे उन अफसरों को नचाया और जनता का काम कराया। यहाँ तक कि कभी कभी कई सारे ऐसे अफसर थे जब पंडित सिंह के पैर छूने लगते थे तो रोकते थे, टोकते थे कि आज सरकार है तो पैर छू रहे हो, कल भूल जाओगे, जनता जो कह रही है उसका काम करिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कितनी जल्दी बदलते हैं, चाहे वो जिले के अधिकारी रहे हों या जो मंत्रालय में स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्व मंत्री, और लास्ट टाइम जो 2012 से 17 की अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थी वो सरकार, उसमें भी वो कृषि मंत्री थे। तो उन्होंने जनता को हमेशा वरीयता दिया और गरीबों का एकमात्र विश्वास जो ज़िले में थे वो पंडित सिंह थे। तो एक ज़िले ने एक विश्वास को खोया है और उस विश्वास की भरपाई कर पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि जो दिग्गज राजनीतिक विरोधी थे वो भी उनके जब अंतिम यात्रा अयोध्या के सरयू तट पे पहुँची तो वो भी कंधा देने अर्थी को पहुँचे और उन्होंने भी कहा कि एक बड़ा दुखद है राजनीतिक रूप से और मेरे व्यक्तिगत एक क्षति है। तो ऐसे व्यक्ति थे जो धुर विरोधी और हमेशा दोनों आपस में, चाहे व्यक्तिगत रहा हो या राजनीतिक रहा हो, दोनों का 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन पंडित सिंह के जो अंतिम संस्कार में थे, सभी दल और वो सारी सीमाएं तोड़ दी गई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम यात्रा को विदाई देने के लिए। तो वो लोकप्रियता पंडित सिंह की थी। गांव से निकल करके, एक सामान्य परिवार से निकल करके, एक जिस शीर्ष स्तर पे उन्होंने अपने को कायम किया और उसके बाद लोगों में ये मैसेज नहीं गया कि अब पंडित सिंह से मिलना या उनसे बात करना दिक्कत होगी। उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे, कभी भी कोई भी आ जा सका। ये अंतर नहीं था कि गोंडा से पंडित सिंह लखनऊ जा चुके हैं तो वहाँ मिल नहीं पाएंगे या लखनऊ जाके बदल गए होंगे। ठीक उसी ग्रामीण भाषा में जो उनकी ठेठ भाषा थी और उनका जो दरवाज़ा था वो हमेशा 24 घंटा खुला रहता था। कई बार तो मैं गवाह था कि रात 12 बजे उनकी तैयारी बनती थी, जा रहा हूँ गोंडा, और उनके जो चूंकि मंत्री थे तो उनको बकायदा प्रोटोकॉल मिला हुआ था, फ्लिट मिली हुई थी, उन पुलिसकर्मियों को बाद में पता चलता था, तब तक वो बाराबंकी निकल जाते थे और तब पीछे से गाड़ी यहाँ की जो सुरक्षा की थी वो पहुँचती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी जनता के बीच या लोगों को लेकर के प्रोटोकॉल या ऐसी चीज़ें सामने नहीं आने दी। यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार वल्लीपुर घर पे ठहरे हुए थे और क्षेत्र का एक व्यक्ति को पुलिस जो है लगातार परेशान कर रही थी। वो व्यक्ति मंत्री के पास उनके गांव बल्लीपुर पहुंचा और पूरी बात बताई तो उसने कहा, मंत्री ने उस व्यक्ति का फ़ोन मिलाइए। जब फ़ोन वो लगातार मिला रहा था, SI जो भी थे चौकी इंचार्ज फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने एक अपना नंबर दिया। उनका नंबर भी सभी लोगों को याद होता था, 94-150-36-18। उससे मिलाते मिलाते फ़ोन लग गया। तब तक जो मंत्री पंडित सिंह थे वो अब फ्रेश होने के लिए जा चुके थे, लेकिन वो फ़ोन लेकर के उन्हीं के वॉशरूम में जा पहुंचा तो उसको डांटे, वो डर की वजह से भाग गए। जब बाहर निकले तो उसको ढूंढने लगे, जब नहीं मिला तो अपने सुरक्षा कर्मियों को भेज करके उसको वापस बुलाया और फिर चौकी इंचार्ज से कहा कि इस व्यक्ति है, इसकी समस्या को हल करिए, दोबारा शिकायत ना आए और इसको 1,000 रुपये दीजिए, जा करके मिठाई खाए। तो जा करके पुलिस चौक जो भी पुलिस कर्मी थे जा करके पूरी व्यवस्था की और 1,000 रुपये दी। तो ये स्थिति उनकी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी यादें हैं जो पंडित सिंह के बारे में लोग अभी भी याद कर रहे हैं। हमेशा वो पार्टी का जो सिंबल था, पार्टी के साथ खड़े थे। यहाँ तक कि जब पार्टी समाजवादी पार्टी में दो धड़ों में बंटी तो लोग कहने लगे पंडित सिंह शिवपाल सिंह यादव के साथ चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना किया कि मैं, मुलायम सिंह यादव ने मुझे जीवन दिया है और मैं अखिलेश यादव के साथ रहूँगा, जो भी स्थिति होगी उससे निपटा जाएगा, मैंने तो बहुत संघर्ष किया है जब पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक। तो उस व्यक्ति के चले जाने से
गोंडा मंडल में तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ ही है, आसपास के जिलों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। हमेशा वो लोगों की समस्या या लोगों से लगातार मिलते रहते थे और यही कारण है कि आज भी लोग उनको याद कर रहे थे। पंडित सिंह को जिले में गांव के पगडंडियों की राजनीति को उभारने के लिए जाना जाता है और ख़ास करके जिले में जिस जिले से वो आते हैं वहाँ सामंतवाद हमेशा हावी रहता था। लोग वोट नहीं मांगने जाते थे, जो भी सांसद होते थे जाते थे तो ब्लॉक स्तर या विधानसभा स्तर पर जाकर बैठ जाते थे, लेकिन पंडित सिंह के राजनीति में आने के बाद घर घर अन्य नेताओं को भी दस्तक देने के लिए मजबूर किया, यानी वास्तविक लोकतंत्र को जिले में लेकर के आए। वो हर घर पे पहुँचते थे, जबकि जिले में कई सारे सांसद या विधायक चूँकि सामंतवाद था तो वोट मांगने नहीं जाते थे, लेकिन उनको मजबूर किया और गांव जाने के लिए विवश किया, तो वो नाम होता है पंडित सिंह को पूरा श्रेय जाता है, वो नाम पंडित सिंह है। यही कारण है कि आज जिले में जो एक तरीके से लोकतंत्र या लोग अपनी बात कहने की स्थिति में खड़े हुए हैं उसका श्रेय उन्हें दिया जाए तो बहुत कम ही होगा, क्योंकि उस तरीके से लोगों को आगे लेकर के आए और राजनीति का एक रास्ता दिखाया। जिले में ही नहीं, जो एक गरीब राजनीति करने आता है तो पंडित सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है। 1995 में जब पार्टी के गठन के दौरान से ही वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, 96 में विधायक बने और उसके बाद 2002 में फिर से सदर से विधायक बने और 2004 में सपा सरकार में मंत्री बने, जबकि 2012 में जीत करके वो तीसरी बार जब जीते तो फिर से उनको मंत्री बनाया गया और हमेशा वो पार्टी के प्रति समर्पित रहे। हालांकि विवादों से उनका बड़ा गहरा नाता था, एक की बड़ा दिलचस्प पहलू है, लेकिन वो विवाद सिर्फ जनता के लिए करते थे। मुझे याद है 2012 और 17 की जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो जिले में कुछ डॉक्टरों की भर्ती निकली थी जो जिले के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन उसमें शिकायत यह आई कि अधिकतर लोग जो बिहार के हैं उनको जो सीएमओ थे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, इसको लेकर के सीएमओ से नोकझोंक हुई। खबरें ये निकल के आई कि सीएमओ का अपहरण किया, उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो गया, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव के कहने पर अखिलेश यादव ने दोबारा उन्हें मंत्री बनाया और उससे पहले वो राज्य मंत्री थे लेकिन दोबारा कैबिनेट और कृषि जैसे विभाग उनको दिए, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, यानी कृषि से संबंधित करीब आधा दर्जन विभाग के वो मंत्री रहे और विभाग के ऊपर उस दौरान सवाल नहीं उठे, लेकिन उनकी कार्यशैली पे हमेशा विवादों को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के या उनके बयानबाजी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते थे और वो अपने बयानबाजी को लेकर के जो सवाल उठते थे उस पर बेधड़क जवाब भी देते थे सामने आ करके और उस बात को एक्सेप्ट करते थे, हाँ मैंने कहा। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो आसपास के जो ज़िले हैं वो आज भी पंडित सिंह को याद कर रहे हैं, उनको उनकी जो कार्यशैली थी बड़ी निराली थी। जब कभी पैरवी करते थे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही कि पंडित सिंह बोल रहा हूँ इनका काम कर दीजिए, तो वो लोगों को आज भी याद आ रहा कि अब ऐसा नेता शायद समाजवादी पार्टी के या ज़िले के लोगों को ना मिले। ये एक तरीके से बड़ी क्षति पार्टी के दृष्टि से हुई। हमेशा वो पंडित सिंह जो समर्पण के प्रतिमूर्ति थे, चुनाव हारें या जीतें वो हमेशा जनता के लिए खड़े रहते थे और जो जनता कहती थी जिस तरीके की पैरवी वो करते थे। एक जिले में अधिकारी थे IAS अधिकारी, उन्होंने भी पिछले दिनों लिखा था कि वैसा नेता हमें ज़िले में अब कभी नहीं मिलेगा, वास्तव में वो नेता थे और गरीबों की बात सुनते थे। तो ऐसे कई बड़े रोचक किस्से हैं, उसको हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे और एक बार फिर से उनको ज़िले की तरफ से, मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी जो विरासत के लिए तैयार हैं, चूँकि पिछला चुनाव भी लड़े थे, लेकिन क्या वो पंडित सिंह का जो कार्यशैली थी, जो पंडित सिंह के गुण थे, वो उनमें आ पाएंगे, लोगों से उस तरीके से जुड़ पाएंगे, वैसा व्यक्तित्व या लोगों से जुड़ने का उनके अंदर वो आकर्षण या बातचीत करने की शैली आ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ, देखता हूँ कि सूरज सिंह में वो शैली,
वो चीज़ें वो निकल करके चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद वैसी चीज़ें आ पाती हैं या नहीं आ पाती हैं, इन्हीं सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।